होडल सब्जी मंडी में इन दिनों बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यह समस्या एक या दो वर्षों से नहीं बल्कि करीब 9 वर्षों से बनी हुई है। दुकानदारों ने बताया कि कई बार यहां के दुकानदारों ने उच्च अधिकारियों को शिकायत भी की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछले साल भी हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन हमें आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। मिला तो केवल अब तक आश्वासन, समाधान नहीं। रमेश चंद ने बताया कि इससे तो अच्छी सरकार कांग्रेस थी, इस सरकार में न तो कोई नेता सुनता है ना ही प्रशासन। ये अंधी व गूंगी सरकार है। गंदा पानी आता है यहाँ पर जी। और सीवर का पानी आता है गंदा, इन सीवर नीची है यहाँ पर, सड़कें नीची हैं, इसलिए गंदा पानी भर जाता है। अब देखो गंदे पानी की शक्ल है, देखो ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन हो रहा है जी। ऐसे तालाबों में पानी हो जाता है ज्यादा बारिश का जब हो जाता तो जी। यहाँ पर महामारी फैलने की आशंका है, और पशु ऐसे आवारा पशु, गाय, बंदर और ये सुअर इतने घूमते हैं यहाँ पर, जीना दूभर कर रखा है पब्लिक का। इन्होंने हमारे बच्चे रहते हैं यहाँ पर, ऊपर मकान है हमारे यहाँ, बच्चों के लिए निकलने के लिए रास्ता नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं है, पीने का पानी खराब हो गया है यहाँ पर, शौचालय चालू नहीं है, शौचालयों में ताले लगे हुए हैं। तो अब आपकी जो यूनियन ने यह निर्णय लिया है कि जब तक हमारा ये काम सुचारू रूप से, पानी हमारा यहाँ हाईवे का पानी आना बंद नहीं होगा और हमारी सीवर का और सड़क का काम शुरू नहीं होगा, जब तक हड़ताल जारी रखेंगे। वहीं एक और आरती ने बताया कि इस गंदे पानी से ही हमें निकलना पड़ता है, अब तो बीमारी भी फैलने का खतरा मंडराने लगा है। इसी गंदे पानी से होकर हमारे बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। आलम यह है कि हम तो भुखमरी की कगार पर है, इस वजह से हमने निर्णय लिया है जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हम हड़ताल पर रहेंगे। और कहा कि हमने यहाँ 1 करोड़ की दुकानें ली थी, लेकिन आज तक इनकी रजिस्ट्री तक नहीं की है। आरतियों ने सेक्ट्री पर आरोप लगाते हुए कहा, होडल मार्केट कमेटी सेक्ट्री से रजिस्ट्री के लिए कहते हैं तो 1 लाख की रिश्वत मांगते हैं। जल भराव का करना पड़ रहा है जी, हमें जल भर जाता है, आज जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तक पानी आ जाता है जी। अब थोड़ा ना ट्यूबवेल लगा दिए हैं, पानी निकल रहा थोड़ा थोड़ा, शाम को बरसात आ जाएगी फिर भर जाएगा। तो ये समस्या आपकी कितने दिनों से बनी हुई है और इसकी समस्या हमारी 9 साल से बनी हुई है, 9 साल से प्रशासन हिला रहे पर प्रशासन काम नहीं कर रहा जी। यहाँ के कर्मचारी सेक्रेटरी खत्म हैं, जो चेयरमैन बैठे हैं वो बहरे गूंगे हैं, और AGM तो यहाँ 2 महीना ठहरे निकल जाता है, AGM 2 महीने ठहरे और आ जाता है, इतने तो वादे पूरे ना हो इतने भाग जाता है। जब तक हमारे पानी मंडी का बंद नहीं होगा हाईवे से, जब तक हमें हड़ताल बंद नहीं करेंगे, कब तक ऐसे प्रशासन की लाते थे, दुकान बेच बेच के 1 करोड़ के चले गए जी। सेक्रेटरी उठ के आता नहीं है, मजदूर नहीं है, सफाई वाले नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है जी। तो इसने आपने शिकायत कहाँ का दी है इसकी? सबकी दे दी, CM विंडो में दे ली, DC को दे ली, और किसको देनी है, AGM को, सेक्रेटरी को, सबको शिकायत पहुंची हुई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, सुनवाई नहीं। अभी AGM गया था तो तहसीलदार गया था, अनुशासन दे गया, मुख्यमंत्री को तुम्हारी एप्लीकेशन पहुंच जाएगी शाम तक, मैडम भी आई थी सेक्रेटरी, उसको रजिस्ट्री के बारे में बोला है, गरीब रजिस्ट्री कर दो भाई, 7 महीने से बुला रही है उसको, देखो कहता है मैं तो रिश्वत मांगते हैं, रिश्वत 1 लाख रुपए चाहिए जब रजिस्ट्री करूँगी, ऐसी मैडम आई है, अंधी है, पैसे इनकी भूखी है, ऐसे प्रशासन से क्या फायदा, कांग्रेस का राज ही बढ़िया। कंचन TV के लिए होडल से हरिओम भारद्वाज की रिपोर्ट।